स्वागत है एक नई वीडियो में। आपने टाइटल में तो देख ही लिया हम क्या बात करने वाले हैं। और अगर आपको इस तरह का एरर आता है तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, तो आज के वीडियो में यही प्रॉब्लम को सॉल्व करके दिखाएंगे। और इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और किसी भी फ़ोन से रिलेटेड, गूगल पे से रिलेटेड, गेम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, नहीं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले ऐप से बाहर चले जाना है और आपको देख लेना आपके फ़ोन में सेटिंग्स कहां पे हैं। फ़ोन के सेटिंग्स को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद जो है आपको देख लेना आपके फ़ोन में ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन कहाँ पे, ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाता है। ऐप सेटिंग्स पर क्लिक करना है। ऐप सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल कर लेना है और आपको देख लेना आपके फ़ोन में ऐप कहाँ पर है। ऐप पर क्लिक करना है, स्टोरेज पर क्लिक करना है, सबसे नीचे क्लियर स्टोरेज पर क्लिक करना है, ओके कर देना है, बैक चले जाना है। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन के नीचे परमिशन का ऑप्शन मिल जाएगा, परमिशन पर क्लिक करना है, सभी को परमिशन दे देना है। परमिशन देने के बाद बैक जाना है और ऐप को कर लेना है ओपन। ओपन करने के बाद लॉगिन करना है, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर आपको प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है तो ऐप को अनइंस्टॉल करके दोबारा से इंस्टॉल कर लेना, आपका प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं होता है तो आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगा। और हमारे वीडियो देखने के लिए शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन के बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।